से सामने आ रही है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी में बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री हो गई है। विस्फोटक से उड़ाए जाएंगे अपराधियों के घर। बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री हो गई है। पहले बुलडोजर और अब डायनामाइट से गिराए जाएंगे घर। भोपाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है। ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा और डायनामाइट से समय की बचत और खतरा कम होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। 3 मंजिला से ज्यादा बिल्डिंग डायनामाइट से उड़ाई जाएगी। तो एक्शन में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। 400 से ज्यादा बिल्डिंग मकान इसके लिए चिन्हित कर लिए गए हैं। तो बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा और 3 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारतों को डायनामाइट से उड़ाया जाएगा और डायनामाइट से समय की बचत और खतरा कम होगा। भोपाल से विशेषज्ञों की जो टीम है उसको बुलाया जा रहा है। 400 से ज्यादा बिल्डिंग और मकान चिन्हित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि 400 जो बिल्डिंगें हैं, जो मकान हैं, उन पर डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। और बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से। और अपराधियों के घर अब विस्फोटक से उड़ाए जाएंगे। डायनामाइट से अपराधियों के घर उड़ाए जाएंगे। पहले बुलडोजर और अब डायनामाइट से गिराए जाएंगे घर। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है और इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम भोपाल से बुलाई जा रही है। तो बाबा का बुलडोजर चलने के बाद अब डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा और डायनामाइट से ऊंची और बड़ी बिल्डिंगों को गिराने का काम किया जाएगा और डायनामाइट से समय की बचत और खतरा कम होगा, ये कहा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 400 से ज्यादा बिल्डिंग और मकान चिन्हित कर लिए गए हैं इसके लिए। तो एक व्यापक पैमाने पर जो कार्रवाई है वो करती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और अपराधियों के घर पर अब डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा। डायनामाइट से 3 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारतों को अब डायनामाइट के जरिए ध्वस्त किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। तो पहले बुलडोजर और अब डायनामाइट से गिराए जाएंगे अपराधियों के घर। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है और इसके लिए डायनामाइट के लिए विशेषज्ञों की टीम भोपाल से बुलाई जा रही है। 400 से ज्यादा मकानों को चिन्हित किया गया है। ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में इसका प्रयोग किया जाएगा। लखनऊ से ये बेहद अहम खबर सामने आ रही है और अपराधियों पर जिस तरह से कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है सरकार। आपको बता दें कि 400 घरों को चिन्हित किया गया है और बिल्डिंग और मकान जिन पर डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अब यूपी में बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री हो गई है। डायनामाइट यानी कि विस्फोटक से अब मकानों को उड़ाया जाएगा, अपराधियों के घरों को ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आई है और इसके लिए 400 से ज्यादा बिल्डिंग मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सफी, क्या जानकारी आ रही है? बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट से उड़ाए जाएंगे अपराधियों के घर। बिल्कुल, देखिए अभी तक बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी सरकार अब कहीं ना कहीं डायनामाइट के नाम से भी जानी जाएगी, क्योंकि अब नया कानून आने वाला है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आ रही है। और अब डायनामाइट से जो भी बिल्डिंगें हैं उनको उड़ाया जाएगा। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि बुलडोजर से जो मकान है, जो बिल्डिंग है, गिराने में काफी टाइम लग रहा है, काफी पैसा लग रहा है, इसलिए बाहर से टीम बुलाई जाएगी। अगर 3 मंजिले के ऊपर कोई भी बिल्डिंग है तो उसको डायनामाइट से उड़ाया जाएगा। इसके लिए एक टीम गठित की जा रही है और उस टीम को इकट्ठा कर तो ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। फिलहाल 400 से ज्यादा बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं जिनको गिराने की कवायद शुरू हो जाएगी। जी तो सफी, ये केवल लखनऊ में 400 जो बिल्डिंग है वो चिन्हित की गई है या पूरे उत्तर प्रदेश में 400 बिल्डिंग चिन्हित की गई है? पूरे उत्तर प्रदेश में 400 बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी बिल्डिंगें अवैध बनी हुई हैं, जिन पर अवैध कब्जे हैं, अवैध बिल्डिंगें बनाई गई हैं बिना LDA के मानक से बनी हुई हैं, उन सभी के लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, जांच चल रही है और जो भी उसमें कमी पाई जाएगी। अब वो बुलडोजर से तो पहले गिराई जाती थी लेकिन अब डायनामाइट यूज किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सफी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा बुलडोजर की जगह
और 400 से ज्यादा जो बिल्डिंग है, मकान है, उनको चिन्हित कर लिया गया है।